हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्जोनोमिकल हायरार्की के बारे में जो कि हमारा सेशन सिक्स है टेक्जोनॉमी एंड डाइवर्सिटी का तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो टेक्जोनॉमिकल हायरार्की के बारे में आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले हमने क्या किया था ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था क्लासिफिकेशन किया था हमने ऑर्गेनिज्म का ठीक है जिसमें हमने क्या किया टेगा यानी कि जो ग्रुप थे उनको यहाँ पे ग्रुप लिखते हैं ताकि थोड़ा समझने में इजी हो हमने क्या किया जो भी ग्रुप थे उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया ऑर्डर यानी कि एक सीक्वेंस में हमने क्या किया अरेंज कर दिया किसको जो हमने ग्रुप बनाए थे ऑर्गेनिज्म के हमने सबसे पहले क्या किया ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जैसे दिस इज फर्स्ट ग्रुप सेकेंड थर्ड फोर्थ ठीक है और उन ग्रुप्स को हमने एक ऑर्डर में प्लेस कर दिया एक सीक्वेंस में हमने क्या कर दिया एक सीक्वेंस में रख दिया तो क्लासिफिकेशन जो है बच्चों वो एक सिंगल स्टेप नहीं होता क्लासिफिकेशन इज अ हायरार्की ऑफ स्टेप हर अलग अलग स्टेप होता है क्लासिफिकेशन के बहुत सारे अलग अलग स्टेप होते हैं तो ये जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है सीक्वेंस में प्लेस किया है इन ग्रुप को ये क्या बताता है हमें ये रिलेशन बताता है ये रिलेशन बताएगा हमें कि इन ग्रुप के बीच में रिलेशन क्या है ठीक है इसके बारे में हमें बता रहा है जिस ऑर्डर में हमने इसको प्लेस किया है तो हर स्टेप जो है यहाँ पे स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर हर स्टेप को बोला जाता है बच्चों कैटेगरी इसको क्या बोला जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दिस इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है और ये टेक्जोनॉमिक कैटेगरी को जब हम एक ऑर्डर में प्लेस करते हैं देन इट इज नोन एज That is known as इसको क्या कहा जाता है जब उसको हमने क्या किया? एक में किया. तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या किया पूरे के पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको हमने डिवाइड कर दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से टेक्सोनॉमिकल हाइडार्की में डिवाइड किया है देख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सेवन क्लासेस है ऐसे तो बहुत सारी है अराउंड ट्वेंटी थर्टी के अराउंड है लेकिन जो मेन है हमारी उसी को हम कंसिडर करेंगे तो हमने क्या किया पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया सेवन टेक्सोनोमिकल रैंक में सबसे पहला है हमारा किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज तो मैंने इसको जो याद किया था वो मैंने के पी सी ऑफ जी एस तो केबीसी कौन बनेगा करोड़पति का बी हटा के मैंने पी लगा दिया ऑफ जीनियस जीएस से मैं जीनियस याद रखती थी तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे याद किया था आप अपने अकॉर्डिंग निमोनिक्स बना सकते हो क्योंकि इसको सीक्वेंस जो है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो सीक्वेंस में ही आपको याद करना है ठीक है तो मेरा ये था केपीसी ऑफ जी जीएस ठीक है तो यहां पे सबसे बड़ी कैटेगरी जो है बच्चों दैट इज किंगडम किंगडम जो है सबसे बड़ी कैटेगरी जो है दैट इज किंगडम और सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी जो है दैट इज स्पीशीज ठीक है अभी इसमें रिलेशन क्या है ये बताना है तो किंगडम जो है किंगडम बहुत सारे अलग अलग फिर से क्या होता है किंगडम क्लासीफाई होता है या फिर किंगडम जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है डिफरेंट स्मॉलर यूनिट्स में जिसको हम क्या कहते हैं फाइला जिसको हम कहते हैं फाइला अगर सिंगुलर है देन इट इज नोन एज फाइलम प्लूरल है तो उसको हम क्या कहेंगे फाइला कहेंगे ये फाइला फिर से स्मॉलर यूनिट में ब्रेक हो जाएगा किस में क्लासेस में फिर ये क्लासेस क्या है फिर से ऑर्डर में ब्रेक हो जाएगी ऑर्डर फैमिली में एंड फैमिली जीनस में एंड जीनस स्पीशीज में ठीक है ऐसे ये क्या होता जाएगा ये ब्रेकडाउन होता जाएगा ठीक है तो सबसे बड़ी क्लास कौन सी है हमारी दैट इज किंगडम और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है स्पीशीज तो हम यहाँ पे इसको अगर नीचे से ऊपर की सीक्वेंस में जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि बहुत सारी स्पीशीज ने मिलकर क्या बनाया जीनस बनाया बहुत सारे जीनस ने मिलकर क्या बनाई फैमिली बनाई बहुत सारी फैमिली ने मिलकर क्या बनाया ऑर्डर बनाया ऑर्डर बहुत सारे ऑर्डर ने मिलकर क्या बनाया क्लास बनाई बहुत सारी क्लास ने मिलकर क्या बनाया फाइलम बनाया और बहुत सारे फाइलम ने मिलकर बनाया किंगडम सो so, इस वे में यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है यहां पे हमें रिलेशन मिल रहा है हर टेक्जोनॉमिक कैटेगरी के बीच में ये एक टेक्नॉमिक कैटेगरी ये दो ये थर्ड टेक् कैटेगरी दिस इज फोर्थ वन दिस इज इज फिफ्थ वन दिस एंड दिस इज सेवन तो मेजरली मेनली सेवन टेक्जोनॉमिक कैटेगरी होती है जिसको अगर हम एक सीक्वेंस में अरेन्ज करें एक सीक्वेंस में प्लेस करें तो वो क्या फॉर्म करेंगी टेक्जोनॉमिक हायरार्की की फॉर्मेशन करेंगी ठीक है तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा टेक्सोनोमिक हायर तक क्लियर है बच्चों यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं सो so, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं तो यहाँ पे किंगडम जो है सपोज हमने क्या किया किंगडम हमने प्लांटे कंसीडर किया किंगडम जो है प्लांटे कंसिडर किया फिर उसका फाइलम हमने कौन सा कंसिडर किया मैग्नोलियो फाइटा यहाँ पे हमने फाइलम कंसिडर किया फिर उसके बाद इस फाइलम में हमने एक क्लास कंसिडर की दैट इज लीलियडा दैट इज लीलियडा फिर इस क्लास में हमने क्या किया इस क्लास में हमने एक ऑर्डर कंसिडर किया एरिकेल्स फिर इसी ऑर्डर में फैमिली दैट इज एरिकेसी फिर इसी फैमिली में एक जीनस दैट इज कोकोस फिर इसी जीनस में स्पीशीज दैट इज कोकस न्यूसी फेरा ठीक है तो ये एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है टेक्जोनॉमिक हायरकी का ठीक है तो सबसे बड़ी यूनिट जो है दैट इज किंगडम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है दैट इज स्पीशीज ठीक है आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा तो अभी हम यहां पे देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ किंगडम जो होंगे सबसे ज्यादा हाई होंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होंगे हाई होंगे सबसे ज्यादा होंगे लेकिन स्पीशीज तक आते आते नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे डिक्रीज हो जाएंगे क्यों होंगे बेसिक आपको समझ में आया होगा क्यों होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है किंगडम सबसे बड़ी क्लास है और उसके बाद छोटे 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 क्लासेस में ब्रेकडाउन होता जा रहा है ठीक है तो स्पीशीज तक आते आते नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज हो जाएगा तो बच्चों यहाँ से एक चीज आपको और याद रखनी है कि किंगडम में किंगडम के केस में क्या होगा सिमिलैरिटीज जो होगी ऑर्गेनिज्म के बीच में वो सबसे कम होगी सिमिलैरिटी सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म बहुत ही कम होगी अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे वैसे ही स्पीशीज में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम है तो उनमें सिमिलैरिटी क्या होगी सिमिलैरिटी सिमिलैरिटीज ज्यादा होंगे ठीक है तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे तो अभी टेक्सोनॉमिक हायरार तो हमने पढ़ ली या फिर टेक्जोनॉमिक कैटेगरीज हमने पढ़ ली लेकिन अभी कौन सा ऑर्गेनिज्म या फिर कैसे हम क्लासिफाई करेंगे इस पर भी अभी बहुत सारी बहस होनी शुरू हो गई तो कुछ साइंटिस्ट ने अपने अकॉर्डिंग क्या किया इन कैटेगरीज को या फिर इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना शुरू कर दिया तो इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं अभी हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आए थे इनका नाम था लीनियस इनका नाम था लीनियस जिन्होंने 1735 में जिन्होंने 1735 में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया टू किंगडम में दो किंगडम में क्लासिफाई किया ठीक है सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था या फिर अ, सबसे पहला जो टेक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट था टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की जो हिस्ट्री थी तो सबसे पहले यहां कौन आए थे लीनियस आए थे 1735 में उन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में क्लासिफाई कर दिया किस कौन से दो किंगडम में एक एनिमिलिया सेकेंड मन बॉक्स वेजी टे बीलिया यानी कि प्लांटे सिंपली प्लांट्स को और एनिमल्स को इन दो कैटेगरीज में पूरे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया गया सेकंड साइंटिस्ट आते हैं हमारे सेकंड जो साइंटिस्ट आए इनका नाम था हेकल जिन्होंने जिन्होंने 1866 में Organisms को क्लासीफ किया थ्री किंगडम में तीन किंगडम में क्या किया तीन पार्ट में क्या किया सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया तो इन्होंने कौन से तीन किंगडम कहे यहाँ पे थे इनिशियली हमारे थे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैकल ने कहा कि ऑर्गेनिज्म को हम तीन किंगडम में क्लासीफाई कर सकते हैं नेमली उनका नाम रखा उन्होंने प्रोटिस्टा प्लांटे एंड एनिमिलिया ठीक है यानी कि एनिमल्स इसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है चैटन 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 ने क्या किया चैटन ने 1937 में 19 ये अभी हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं बच्चों कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन हुआ कैटेगरीज में कैसे कैसे हमने ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया तो चैटन ने 1937 में कहा कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं दो एम्पायर्स में दो एम्पायर्स में क्या कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ये एम्पायर्स उन्होंने रखे ऑन द बेसिस ऑफ सेल सेल के बेसिस पे उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म को हम दो एम्पायर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं एक एम्पायर जिसके पास न्यूक्लियस है एक एम्पायर जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है ठीक है एक के पास क्या है सेल के अंदर न्यूक्लियस है और दूसरे के पास सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो इस बेसिस पे उन्होंने दो एम्पायर बताए कौन कौन से दैट वॉज यू कैरियो यू कैरियोटा एंड यू कैरियोटा पहला क्या था अगर न्यूक्लियस है तो दे आर यू कैरियोटा एंड न्यूक्लियस नहीं है तो दे विल बी नोन एज प्रो कैरियोटा तो यहाँ पे चैटन ने क्या किया चैटन ने दो एम्पायर में क्लासिफाई कर दिया इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो है कोपलैंड 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 ने 1956, Copeland ने 1956 ने में सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया चार किंगडम में सारे ऑर्गेनिजम को क्या किया चार किंगडम में क्लासिफाई किया कौन कौन से चार किंगडम तो पहले तो ये तीन हो गए ठीक है पहले ये तीन हो गए उसके बाद यहाँ पे ऐड हो गया हमारा मोनेरा सो so, चार किंगडम कौन से है मोनेरा प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा प्लांटे एंड एनिमेलिया ठीक है ये चार किंगडम में को प्लैंड ने क्या किया ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया कौन से साल में नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में इसके बाद आते हैं हमारे विटेकर तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद आते हैं हमारे आरएच विटेकर जिन्होंने 1969 जिन्होंने 1969 में फाइव किंग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और ये ही बहुत ज्यादा जो एक्सेप्ट किया जाता है क्लासिफिकेशन वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड इट वाज गिवन बाय विटेकर इन 1969 तो ये इंपॉर्टेंट है ये याद करना है तो यहाँ पे मोनेरा प्रोटेस्टा प्लांटे एनिमेलिया ये तो चार है इसके अलावा यहाँ पे इंक्लूड किया गया इसके अलावा यहाँ पे इंक्लूड किया गया फंजय को फंजाई को यहाँ पे इंक्लूड किया गया तो फंजाई में क्या किया क्लासीफाई किया इसके बाद मोनेरा फंजाई प्रोटेस्टा प्लांटे एंड एनिमेलिया तो ऐसा नहीं था आर एच में टेकल के बाद साइंटिस्ट ने अपने एफर्ट्स नहीं डाले क्लासिफिकेशन में इसके बाद भी क्लासिफिकेशन जो था बच्चों तो वो भी क्या चल रहा था इसके बाद भी क्लासिफिकेशन चल ही रहा था तो यहाँ पे आते हमारे वोजे तो यहाँ पे आते हमारे वोजे जिन्होंने में सिक्स सिक्स किंगडम किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने सिक्स किंगडम कौन कौन से दिए तो, तो दैट वॉज यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया ियाजय प्लांटे एंड एनिमेरिया ठीक है तो ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय वोसे इसके अलावा बच्चों यहाँ पे वोसे एंड फॉक्स इन्होंने मिलके 1999 में थ्री डोमेन सिस्टम भी दिया था थ्री डोमेन सिस्टम भी दिया था ठीक है जिसमें उन्होंने आर के स्ट्रक्चर को कंसिडर किया था आर के स्ट्रक्चर को उन्होंने वहां पे कंसिडर किया था और उसके बेसिस पे आर के सीक्वेंस के बेसिस पे यहां पे क्लासिफाई किया गया तीन क्लासेस में ऑर्गेनिज्म को दैट इज यू बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया एंड यू कैरियॉट्स यू तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री थी टेक्जोनॉमिक कैटेगरी की या फिर टेक्जोनॉमिक कंसेप्ट की ये पूरी हिस्ट्री थी तो ये आपसे पूछ सकते हैं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है याद कर लेना है आपको नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं अगर आज का सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग